हेलो स्टूडेंट्स, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट माइक्रोप्रोसेसर EL207 के फोर्थ यूनिट 8085 इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्रामिंग के सेकेंड पार्ट में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है और इंस्ट्रक्शंस कितने टाइप के होते हैं। तो हमने उसमें 5 टाइप्स के इंस्ट्रक्शंस देखे थे और उस वीडियो में हमने एक टाइप के इंस्ट्रक्शन को कवर कर लिया था, डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस। अब हम सेकेंड टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस स्टार्ट करेंगे, एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। तो इस टॉपिक में इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस के एक टाइप लेने वाले हैं, एडिशन इंस्ट्रक्शंस की। एडिशन करने के लिए 8085 में कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं, उनका फॉर्मेट क्या है और वो किस तरह से काम करते हैं। एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, 8085 बहुत सारे एरिथमेटिक ऑपरेशंस कर सकता है, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस के लिए कहते हैं हम मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन, जो हम मैथ्स में करते हैं, जैसे कि एडिशन, दो नंबर्स को जोड़ना, सब्ट्रैक्शन, एक नंबर में से दूसरे को घटाना, इंक्रीमेंट यानी किसी भी नंबर को एक से बढ़ाना, जैसे 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, या फिर डिक्रीमेंट यानी किसी भी नंबर को एक से घटाना, जैसे कि 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2। इस तरह से इन किसी भी ऑपरेशन को करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस 8085 यूज़ करता है वो एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हुए माइक्रोप्रोसेसर जिन जिन कंडीशंस को अज्यूम करता है या जो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी सेटिंग्स में दी गई हैं, वो कंडीशंस हम देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते वक्त एक नंबर हमेशा एक्यूमुलेटर का ही लिया जाता है, यानी कि माइक्रोप्रोसेसर जिन दो नंबर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहा है उसमें से एक नंबर किसी भी रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन से लिया जा सकता है, लेकिन दूसरा नंबर हमेशा एक्यूमुलेटर से ही लिया जाएगा। तो इस ऑपरेशन में, इस इंस्ट्रक्शन में एक ऑपरेंड हमेशा एक्यूमुलेटर फिक्स होता है और वो हमें इंस्ट्रक्शन में अलग से बताना भी नहीं पड़ता, माइक्रोप्रोसेसर उसे अपने आप ले लेता है। इसी तरह से सेकंड जो कंडीशन है एडिशन और सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शंस के लिए, वो ये है कि जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शंस होते हैं तो उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग सभी फ्लैग्स मॉडिफाई होते हैं। फ्लैग्स क्या होते हैं हम पहले पढ़ चुके हैं। फ्लैग्स माइक्रोप्रोसेसर के ऑपरेशन के रिजल्ट के स्टेटस को बताते हैं कि जो भी रिजल्ट आया किसी भी एरिथमेटिक या फिर लॉजिकल ऑपरेशन के बाद, उसका रिजल्ट जो रहा उसका साइन क्या है, वो रिजल्ट जीरो था या नॉन जीरो, उसमें कैरी आई या नहीं आई, उस रिजल्ट की पैरिटी इवन है या ऑड है। तो इस तरह से जब भी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता है 8085 तो उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग सभी फ्लैग्स मॉडिफाई होते हैं। 5 फ्लैग्स होते हैं, वो सभी फ्लैग्स चेंज हो जाते हैं रिजल्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट कंडीशन जो है एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस की, सॉरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शंस की, वो ये है कि जो रिजल्ट कैलकुलेट होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद वो हमेशा एक्यूमुलेटर में ही जाता है, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एक नंबर हमेशा एक्यूमुलेटर से ही लिया जाएगा और जब उस नंबर को किसी दूसरे नंबर से, जो कि किसी रजिस्टर में भी हो सकता है, किसी मेमोरी लोकेशन में भी हो सकता है और डायरेक्ट नंबर भी हो सकता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी एक्यूमुलेटर में ही सेव होता है। रिजल्ट का डेस्टिनेशन रजिस्टर भी फिक्स है और वो होता है एक्यूमुलेटर। इसी तरह से एक और कंडीशन है इसमें कि ऑपरेंड के कंटेंट्स मॉडिफाई नहीं होते। ऑपरेंड मतलब जो हम दूसरा नंबर दे रहे हैं, यानी कि कोई रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन, उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो रिजल्ट है वो एक्यूमुलेटर में जाता है तो वहाँ का जो पुराना नंबर था वो ओवरराइट हो जाएगा, लेकिन जो दूसरा ऑपरेंड है आपका, दूसरा कोई रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन जिसे ऐड या सब्ट्रैक्ट किया गया है एक्यूमुलेटर के साथ, उस में कोई फर्क नहीं पड़ता। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस में ही एडिशन सब्ट्रैक्शन के अलावा एक और टाइप होता है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब होता है एक नंबर से बढ़ाना और डिक्रीमेंट का मतलब होता है एक से घटाना। इन ऑपरेशंस को करने के लिए भी कुछ अजम्पशंस होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं।
जैसे कि ऑपरेंड के कंटेंट्स मॉडिफाई होते हैं। किसी भी रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन के कंटेंट को जब हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहे हैं, तो जो उसका रिजल्ट है वो उसी लोकेशन पे ही सेव किया जाता है, तो उस रजिस्टर का या उस मेमोरी लोकेशन का जो कंटेंट होता है वो मॉडिफाई हो जाता है। मॉडिफाई मतलब चेंज। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शंस के रिजल्ट के कारण सभी फ्लैग्स चेंज होते हैं, सिर्फ कैरी फ्लैग को छोड़कर। कैरी फ्लैग में कोई फर्क नहीं आता है, उसके अलावा चारों फ्लैग्स चेंज होते हैं। एडिशन इंस्ट्रक्शंस। एडिशन इंस्ट्रक्शंस में एक एक्यूमुलेटर के एक 8 बिट डेटा को हम किसी भी दूसरे 8 बिट डेटा से ऐड कर सकते हैं। उसकी तीन कंडीशंस हो सकती हैं, या तो वो 8 बिट का डेटा डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ हो, या फिर वो 8 बिट का डेटा किसी रजिस्टर में सेव किया हुआ हो। वो रजिस्टर्स हो सकते हैं आपके ए बी सी डी ई एच या एल, या फिर वो 8 बिट का डेटा किसी मेमोरी लोकेशन पे सेव हो और वो मेमोरी एड्रेस एच एल रजिस्टर में लिखा हुआ होता है, तो उसे एम से पॉइंट किया जाता है। यानी कि एडिशन इंस्ट्रक्शन में हम जिन दो नंबर्स को ऐड करते हैं उसमें से एक नंबर एक्यूमुलेटर में होता है और दूसरा नंबर या तो इंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली दिया हुआ होता है या फिर किसी रजिस्टर में होता है, और वो रजिस्टर ए बी सी डी एच एल में से कोई सा भी हो सकता है, या फिर किसी मेमोरी लोकेशन पे होता है जिसका एड्रेस एच एल में दिया हुआ हो और उसे इंस्ट्रक्शन में एम द्वारा दर्शाया जाता है। इन एडिशन इंस्ट्रक्शन से जो भी रिजल्ट आता है उसे एक्यूमुलेटर में सेव किया जाता है। ऐड। एडिशन का जो सबसे बेसिक इंस्ट्रक्शन है वो है ऐड, ए डबल डी। फर्स्ट वीडियो में जब मैंने आपको बताया था कि इंस्ट्रक्शंस के लिए हम निमोनिक्स यूज़ करते हैं, निमोनिक्स क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस के शॉर्ट फॉर्म्स, यहाँ पे क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं तो एडिशन का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, ए डबल डी, ऐड। ऐड इंस्ट्रक्शन किसी भी रजिस्टर या मेमोरी के डेटा को एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ ऐड करने के यूज़ में आता है। ये एक 1 byte इंस्ट्रक्शन है, यानी कि मेमोरी में इसे सिर्फ एक स्पेस चाहिए सेव करने के लिए, लिखने के लिए। इसके दो टाइप्स दो फॉर्मेट हो सकते हैं, ऐड आर या ऐड एम। या तो किसी रजिस्टर को हम एक्यूमुलेटर के साथ ऐड करें या फिर किसी मेमोरी लोकेशन को। अगर हम रजिस्टर को ऐड कर रहे हैं तो वो रजिस्टर्स ए बी सी डी ई एच एल में से कोई सा भी हो सकता है, या फिर हम किसी भी मेमोरी लोकेशन के डेटा को भी एक्यूमुलेटर के साथ ऐड कर सकते हैं और वो लोकेशन एच एल रजिस्टर में दी हुई होती है। एडिशन के रिजल्ट को एक्यूमुलेटर में सेव किया जाता है। एडिशन के रिजल्ट के अकॉर्डिंग सारे फ्लैग्स मॉडिफाई होते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे कि सिंटेक्स जो देखें हम इसका, वो क्या होगा, ऐड बी या ऐड एम। यहाँ पे कहीं भी इंस्ट्रक्शन में हमें ए नहीं लिखना पड़ता क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर बाय डिफॉल्ट एडिशन एक्यूमुलेटर के साथ ही करता है। हमें सिर्फ दूसरा ऑपरेंड बताना पड़ता है, जैसे कि हमने लिखा ऐड बी, तो माइक्रो प्रोसेसर एक्यूमुलेटर को अपने आप ले लेगा और दूसरा ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है हमने बी, तो ए और बी को ऐड करेगा और फिर से ए में सेव करा देगा। इसी तरह से जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं ऐड एम, तो एम उस मेमोरी को पॉइंट करता है जिसका एड्रेस एच एल में लिखा हो, तो एच एल में जो भी एड्रेस लिखा हुआ होगा उस एड्रेस पे से डेटा लेकर एक्यूमुलेटर के साथ ऐड किया जाएगा और फिर रिजल्ट भी एक्यूमुलेटर में ही सेव कर दिया जाएगा। इसे अब हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। क्वेश्चन है, कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर आर 93H एंड कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर सी आर B7H, ऐड बोथ। एक्यूमुलेटर में जो डेटा है 8 बिट का वो है 93, और रजिस्टर सी लिया है हमने उसमें डेटा है B7। एच यहाँ हेक्साडेसिमल को डिनोट करता है क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में काम करता है। इन दोनों को ऐड करना है, तो किसी भी रजिस्टर को एक्यूमुलेटर से अगर ऐड करना है तो हम इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं ए डबल डी। क्योंकि सी को ऐड करना है तो ऑपरेंड में आएगा सी, तो इंस्ट्रक्शन क्या बना आपका, ऐड सी। ऐड सी सी के डेटा को ए के डेटा के साथ ऐड करेगा और रिजल्ट फिर से एक एक्यूमुलेटर में ही सेव करा देगा। तो यहाँ पे ए में है 93, 93 को अगर हम बाइनरी में रखें तो हेक्साडेसिमल में हर डिजिट के 4 बिट के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि 9 का 4 बिट बाइनरी क्या होगा, 1001।
इसी तरह से 3 का 4 बिट बाइनरी होगा 0011, सी में वैल्यू है B7, B का बाइनरी हुआ 1011 और 7 का बाइनरी हुआ 0111। इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो 110 कैरी आती है, ऊपर जाएगी 1, 110011 कैरी 1, 110 कैरी 1, 1001 110 कैरी 1, 1 + 0 + 1 = 0 कैरी 1, 1 + 0 + 0 = 1, 1 + 1 = 0 एंड कैरी 1। तो जो हमें रिजल्ट आया वो एक्यूमुलेटर में ही सेव किया जाएगा। रिजल्ट बना है आपका, कैरी आई है 1 में और 0100 एंड 1010। इसको फिर से हम हेक्स में चेंज करें तो 0100 है 4 और 1010 है ए और एक कैरी है 1। नॉर्मली जब हम 93 और B7 को ऐड करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है 14A, लेकिन क्योंकि एक्यूमुलेटर 8 बिट का ही रजिस्टर है तो लोअर 8 बिट इसमें सेव हो जाएंगे आपके 4A, और जो 1 बचता है उसको एज अ कैरी कैरी फ्लैग को सेट करके सेव कर लिया जाता है। तो कैरी फ्लैग में 1 आ जाएगा और बाकी जो लोअर 8 बिट हैं 4A वो आ जाएंगे एक्यूमुलेटर में। तो इस तरह से जो फ्लैग्स का स्टेटस होगा वो होगा साइन 0, क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर है और 7th बिट इसका 0 है, इसीलिए साइन में क्या आएगा 0। 0 में 0 आएगा क्योंकि ये नॉन जीरो नंबर है। अगर यहाँ पर रिजल्ट 0 होता तो 0 फ्लैग सेट हो जाता, 1 हो जाता। ऑक्सिलरी कैरी में भी 0 आएगा। ऑक्सिलरी कैरी वो कैरी होती है जो कि जो 3rd बिट से 4th बिट पे जनरेट होती है, यानी लोअर 4 बिट से हायर 4 बिट पे। लेकिन यहाँ पे 3rd से 4th बिट पे कोई कैरी जनरेट नहीं हुई है, इसलिए ऑक्सिलरी कैरी 0 है। पैरिटी नंबर ऑफ वंस बताती है, यहाँ पे क्योंकि नंबर ऑफ वंस 3 है, ऑड है, तो पैरिटी हुई 0। 7th के ऊपर अगर कोई कैरी जनरेट होती है तो वो कैरी फ्लैग को सेट करती है। यहाँ पे 7th बिट के ऊपर कोई कैरी जनरेट हुई है, इसीलिए कैरी फ्लैग की वैल्यू है 1 और कैरी फ्लैग सेट हुआ है। ADC एड विद कैरी। एड विद कैरी में किसी भी नंबर को, किसी भी 8 बिट के नंबर को एक्यूमुलेटर के साथ ऐड करते हुए कैरी फ्लैग को भी कंसिडर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने पहले पढ़ा था ADD एड, एड क्या करता है, किसी भी रजिस्टर या मेमोरी के कंटेंट को एक्यूमुलेटर के साथ ऐड करता है। ये सेम वही है, किसी भी रजिस्टर या मेमोरी के डेटा को एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ ऐड करेगा, लेकिन उसके साथ ही उसमें कैरी फ्लैग भी ऐड कर देगा। कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 है तो 1 ऐड हो जाएगा, और कैरी फ्लैग की वैल्यू 0 है तो 0 ऐड हो जाएगा। ये भी 1 byte का इंस्ट्रक्शन है। सिंटेक्स हो सकता है इसका ADCR या ADCM। आर यानी कोई भी 8 bit का रजिस्टर, ABCDEAHL, और M मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट करता है जो एड्रेस आपके HL रजिस्टर में होता है। जो भी रिजल्ट आता है इस एडिशन से वो एक्यूमुलेटर में ही सेव किया जाता है। एडिशन से सभी फ्लैग्स मॉडिफाई होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स देख सकते हैं हम, ADCB या ADCM। ADCB का मतलब बी रजिस्टर के डेटा को एक्यूमुलेटर के साथ ऐड किया जाएगा प्लस कैरी फ्लैग की वैल्यू 0 या 1। इसी तरह से ADCM मतलब HL में जो भी मेमोरी एड्रेस है वहाँ पे लिखे हुए डेटा को एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ ऐड करते हैं, और साथ में कैरी फ्लैग की वैल्यू भी ऐड की जाती है। इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है, कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर आर 47 एच एंड कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन 2500 इज 31 एच। एट बोथ इंक्लूडिंग कैरी फ्लैग अज्यूम टू बी सेट। यानी एक्यूमुलेटर का डेटा 47, मेमोरी लोकेशन का डेटा 31, इन दोनों को ऐड करना है इंक्लूडिंग कैरी फ्लैग, जिसे अज्यूम किया गया है सेट, यानी कैरी फ्लैग की वैल्यू है 1। तो जो लोकेशन है 2500 वो HL में स्टोर्ड होगी, तो M इक्वल टू 31 हो जाएगा, क्योंकि M हमेशा उस एड्रेस को पॉइंट करता है जो HL रजिस्टर में हो। तो हम ऐड करेंगे इंस्ट्रक्शन यूज करके ADCM, एड विद कैरी मेमोरी रजिस्टर। तो यहाँ पे A+M+CY होगा, क्योंकि हमने एड विद कैरी यूज किया है ADC। तो A+M+CY होगा, A में है 47, M में है 31 और CY की वैल्यू है 1, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैरी फ्लैग इज अज्यूम टू बी 4 का 4 bit बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 0100, और 7 होता है 0111। इसी तरह से 3 का बाइनरी होता है 0011 और 1 का बाइनरी होता है 0001। कैरी है 1, इन तीनों का हम ऐड करें तो 1 + 1 = 0, कैरी गई 1, 0 + 1 = 1,
1 + 1 0 कैरी गई 1, 1 + 1 0 कैरी गई 1, 1 1 1 1 एंड 0. तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आया 0 1 1 यानी 7 एंड 1 001 दैट इज 9. तो 79 जो रिजल्ट है वो एक्यूमुलेटर में ही सेव होगा और फ्लैग्स का स्टेटस इस प्रकार रहेगा कि 7th बिट 0 है यानी साइन 0 साइन पॉजिटिव, नंबर नॉन जीरो है इसलिए जीरो फ्लैग भी रीसेट रहेगा 0. थर्ड बिट पे, फोर्थ बिट पे ऑक्सिलरी कैरी की वैल्यू भी 0 रहेगी क्योंकि ऑक्सिलरी कैरी वो होती है जो थर्ड बिट से फोर्थ बिट पे जाती है, तो फोर्थ बिट पे कोई कैरी नहीं है इसलिए ऑक्सिलरी कैरी 0. पैरिटी इज नंबर ऑफ वंस, यहाँ पे 5 वन है ऑड तो पैरिटी भी 0 रहेगी. कैरी कोई जनरेट नहीं हुई है 7th बिट के बाद तो कैरी भी 0 रहेगी. ADI एड इमीडिएट, एड इमीडिएट इंस्ट्रक्शन से हम इंस्ट्रक्शन में ही दिए गए किसी भी 8 बिट डेटा को एक्यूमुलेटर के कंटेंट से ऐड कर सकते हैं. पहले जो भी इंस्ट्रक्शंस हमने पढ़े ADC या ADD, उनमें डेटा किसी रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन पे था. अगर हम इंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली 8 बिट डेटा दे देते हैं तो उस समय हम इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं ADI, एड इमीडिएट. आई वर्ड हमेशा उन इंस्ट्रक्शंस में दिखाई देगा आपको जहां पर डेटा डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ होता है. ये 2 byte इंस्ट्रक्शन है, 1 byte बनेगा आपका ADI का ऑपकोड और 1 byte बनता है 8 bit का डेटा. सिंटेक्स होता है इसका ADI 8 bit डेटा, एक्यूमुलेटर के डेटा को इस इंस्ट्रक्शन में दिए गए 8 bit के डेटा के से ऐड कर दिया जाता है और जो रिजल्ट होता है वो भी एक्यूमुलेटर में जाकर ही सेव होता है. इस इंस्ट्रक्शंस के रिजल्ट के अकॉर्डिंग सारे फ्लैग्स मॉडिफाई होते हैं. एग्जाम्पल है इसका ADI 0F, जो भी एक्यूमुलेटर में डेटा है वो F के साथ 0F के साथ ऐड हो जाएगा. तो जो डेटा है 8 बिट का वो डायरेक्टली इस इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, वो ना किसी रजिस्टर में है ना ही किसी मेमोरी लोकेशन में है. ADI एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं अब हम इसे. एड 35H डायरेक्टली टू एक्यूमुलेटर वन कैरी फ्लैग इज सेट. तो यहाँ पे हम 35 जो डेटा है उसे डायरेक्टली एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ ऐड करना चाह रहे हैं. तो जब डेटा डायरेक्टली ऐड करना है तो हम इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे ADI और उसके बाद ऑपरेंड में लिखा जाएगा डेटा 35. अज्यूम कर लेते हैं कि एक्यूमुलेटर में डेटा है 4A, उसको अगर हमें ऐड करना है तो हम इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं ADI 35. तो 35 डायरेक्टली ऐड हो जाएगा एक्यूमुलेटर के डेटा 4A से. 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा आपका 0100, A का रिप्रेजेंटेशन है 1010, डेटा है 35, 3 को लिखते हैं हम 0011 और 5 को लिखते हैं हम 0101. इन्हें अगर हम ऐड करें तो एडिशन आएगा आपका 0111 0101 0101 0101 0101 1001 and 00, यानी 0 1 1 7 एंड 4 times 1 इज F. तो ये जो रिजल्ट है एडिशन का वो स्टोर होता है आपका एक्यूमुलेटर में. फ्लैग्स का स्टेटस रहेगा साइन 0 क्योंकि D7 की वैल्यू 0 है, 0 flag 0 क्योंकि नंबर नॉन जीरो है. थर्ड बिट से फोर्थ बिट पे कोई कैरी नहीं गई है इसलिए ऑक्सिलरी कैरी भी रीसेट रहेगा 0. नंबर ऑफ वंस यहाँ पे 7 है, ऑड नंबर इसलिए पैरिटी 0 रहेगा. कोई कैरी जनरेट नहीं हुई लास्ट बिट पे इसलिए कैरी की वैल्यू भी 0. तो क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ था कि ऐड 35 डायरेक्टली टू एक्यूमुलेटर व्हेन कैरी फ्लैग इज सेट, यानी एग्जीक्यूशन हुआ उससे पहले कैरी फ्लैग सेट था लेकिन यहाँ पे क्योंकि कोई कैरी जनरेट नहीं हुई है तो अब कैरी फ्लैग रीसेट हो जाएगा यानी CY इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. ACI ऐड इमीडिएट विद कैरी, इस इंस्ट्रक्शन में ऐड इमीडिएट ADI और ADC ऐड विद कैरी उन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया है. अब है ऐड इमीडिएट विद कैरी, यानी हमें एक डायरेक्ट नंबर जो भी इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ होगा उसको एक्यूमुलेटर के साथ ऐड करना है इंक्लूडिंग कैरी. तो तीनों चीज़ें ऐड होंगी, डेटा, एक्यूमुलेटर और कैरी. ये 2 byte का इंस्ट्रक्शंस है. 1 byte होता है आपका ऑप कोड जो आएगा ACI का और 1 byte होगा डायरेक्टली डेटा जो हम दे रहे हैं इंस्ट्रक्शन में उसका 8 bit डेटा का. इसका फॉर्मेट होता है ACI 8 bit डेटा. ACI आपका इंस्ट्रक्शन ऐड इमीडिएट विद कैरी, 8 bit डेटा ऑपरेंड, जो भी हमें डेटा ऐड करना है एक्यूमुलेटर में उसे हम यहाँ पर लिखते हैं.
रिजल्ट जो है एडिशन का वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है. इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग सभी फ्लैग्स मॉडिफाई होते हैं. एग्जाम्पल है इसका ACI0F. तो इसमें एक्यूमुलेटर में जो भी डेटा है वो +0F प्लस कैरी, चाहे वो 0 हो चाहे 1 हो, इन तीनों का एडिशन होता है और फाइनल रिजल्ट एक्यूमुलेटर में ही सेव हो जाता है. इस इंस्ट्रक्शन को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. एड 95 डायरेक्टली टू एक्यूमुलेटर विद कैरी व्हेन सी वाई फ्लैग इज सेट. अब हम 95 जो नंबर है, इमीडिएट नंबर जो हम इंस्ट्रक्शन में देने वाले हैं डायरेक्टली, उसको ऐड करते हैं एक्यूमुलेटर से विद कैरी. जबकि कैरी को क्या माना गया है यहाँ पर, सेट. सेट मतलब कैरी की वैल्यू होगी 1. तो ए की वैल्यू हम मान लेते हैं, सी ए है. इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे ACI95. ACI हमारा ऑप कोड हो गया. ऑपरेशन के करना क्या है, ऐड इमीडिएट विद कैरी. ऑपरेंड स्पेसिफाई किया हुआ है 95. इसे एक्यूमुलेटर के साथ ऐड करने के लिए हम ये इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे, इंक्लूडिंग कैरी. तो ये 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन हो गया. 1 बाइट आएगा ACI का ऑप कोड और 1 बाइट आएगा डेटा, दैट इज 95. इनका एडिशन करें हम तो सी ए हेक्साडेसिमल नंबर को अगर हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करें तो सी का बाइनरी होता है 1100 और ए का बाइनरी होता है 1010. 9 का बाइनरी होता है 1001 और 5 का बाइनरी होता है 0101. साथ में ऐड किया है हमने कैरी, सेट है इसलिए 1 ऐड किया है. इनको अगर हम ऐड करें तो LSB से एडिशन स्टार्ट करते हैं. D0 से 1 + 0 इज 1, +1 इज 0 कैरी 1, 1 + 1 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 इज 0 कैरी 1, देन 1 1 एंड 1 + 0 कैरी 1. तो यहाँ पे 7th बिट के बाद एक कैरी जनरेट हो रही है. 7th बिट में क्योंकि 0 है तो साइन फ्लैग आपका 0 रहेगा. नंबर नॉन जीरो है तो 0 फ्लैग भी 0 रहेगा. यहाँ देखिए 3rd बिट से 4th बिट पे कैरी गई है, मतलब D4 में कैरी है तो ऑक्सिलरी कैरी 1 होगा. नंबर ऑफ वंस जो आए हैं रिजल्ट में वो 2 है, यानी इवन. तो पैरिटी इवन है इसलिए P की वैल्यू 1 होगी. 7th बिट के बाद एक कैरी जनरेट हुई है, दैट मीन्स कैरी फ्लैग की वैल्यू भी 1 होगी. तो कैरी फ्लैग फिर से सेट ही रहेगा. तो इन दोनों के एडिशन से जो रिजल्ट मिला हमें वो है 0110 एंड 4 टाइम्स 0 विद कैरी 1. इसका जो रिजल्ट है वो 8 बिट से बड़ा है 160, क्योंकि सी ए और 95 को जब हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट मिलता है 160. लेकिन क्योंकि एक्यूमुलेटर 8 बिट का ही है तो जो लोअर 8 बिट है 60 वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएंगे और जो 1 आ रहा है वो कैरी फ्लैग के जरिए हम उसे सेव कर पाएंगे. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एडिशन में आता है DAD, डबल एडिशन. डबल एडिशन हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी तक हमने जितने भी एडिशन इंस्ट्रक्शंस देखे वो 8 बिट के डेटा पे काम कर रहे थे, जबकि ये इंस्ट्रक्शन 16 बिट के डेटा पर काम करता है. तो डबल एडिशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे 2 बाइट्स का एडिशन हो रहा है डबल. तो DAD इंस्ट्रक्शन को किसी भी रजिस्टर पेयर के डेटा को HL के डेटा के साथ ऐड करने के लिए यूज़ किया जा सकता है. जैसे हमने अभी तक जितने भी इंस्ट्रक्शन देखे, ADD, ADI, ACI, ADC, इन सब इंस्ट्रक्शंस में एक्यूमुलेटर फिक्स था कि एक ऑपरेंड हमेशा एक्यूमुलेटर ही रहेगा, बाकी दूसरा ऑपरेंड कहीं भी हो सकता है, किसी रजिस्टर में, डायरेक्ट डेटा या फिर मेमोरी लोकेशन पे. उसी तरह DAD के लिए HL रजिस्टर इम्प्लिसिट है, एक ऑपरेंड हमेशा HL रजिस्टर ही रहेगा, बाकी दूसरा ऑपरेंड और किसी रजिस्टर पेयर में हो सकता है, BC, DE, HL या फिर हम इसमें स्टैक पॉइंटर की वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं. जो तो दूसरा ऑपरेंड होगा वो BDH या SP में से कोई सा भी हो सकता है. और जिस तरह से एड इंस्ट्रक्शन जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो रिजल्ट भी एक्यूमुलेटर में जाके ही सेव होता है, उसी तरह इस इंस्ट्रक्शन में DAD में भी HL इम्प्लिसिट इंस्ट्रक्शन है. एडिशन होगा भी HL के साथ और फाइनल रिजल्ट भी HL में ही स्टोर होगा. ये इंस्ट्रक्शन भी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है. इसका सिंटेक्स है DAD RP. RP जहाँ पे रजिस्टर पेयर है, किसी भी रजिस्टर पेयर का नाम हम यहाँ पे लिख सकते हैं, BDH या SP. उसके कंटेंट को HL रजिस्टर के 16 बिट कंटेंट के साथ ऐड किया जाता है और जो रिजल्ट होता है वो फिर से 16 बिट के
एचएल रजिस्टर में ही सेव होता है। तो यहाँ पे जो सोर्सेज हैं बीडीएच या एसपी, उनके कंटेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ डेस्टिनेशन रजिस्टर एचएल के कंटेंट में ही चेंज आता है। इस इंस्ट्रक्शन से और किसी फ्लैग पे कोई इफेक्ट नहीं आता और कोई फ्लैग चेंज नहीं होता, सिर्फ कैरी फ्लैग ही चेंज होता है, वो भी तब जब आपका 16 बिट से भी बड़ा आ जाए रिजल्ट, क्योंकि हम यहाँ 16 बिट के दोनों ऐड कर रहे हैं, तो हो सकता है रिजल्ट 16 बिट से आगे चला जाए, तो उस केस में कैरी फ्लैग सेट हो जाता है। एग्जाम्पल है इसका डीएडी बी डबल एडिशन बीसी रजिस्टर विद एचएल रजिस्टर। इसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है ऐड कंटेंट ऑफ एचएल विद बीसी, एचएल और बीसी के कंटेंट को ऐड करना है। अज्यूम कर लेते हैं एचएल रजिस्टर में है 1CA4, तो हायर बाइट हायर रजिस्टर में होगा, यानी एच में होगा 1C और एल में होगा A4, लोअर बाइट लोअर रजिस्टर में। इसी तरह से बीसी में एक 16 बिट का नंबर है 6322D, जिसमें से 63 हायर बाइट है तो वो हायर रजिस्टर में होगा बी और 2D लोअर बाइट है तो वो लोअर रजिस्टर में होगा सी। इन दोनों को ऐड करना है हमें, तो उसके लिए हम इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं डीएडी बी डबल एडीसी विद एचएल, और इसका रिजल्ट फिर किस में स्टोर होगा, एचएल में। तो एचएल में है आपका 1CA4, तो 4 बिट का 1 का बाइनरी लिखा 0001, फिर सी का बाइनरी लिखा 1100, फिर ए का बाइनरी लिखा 1010 और फिर 4 का बाइनरी लिखा 0100। इस तरह से 16 बिट का नंबर आया आपका। नेक्स्ट ऐड करना है इसको बीसी से, या दैट मीन 632D। 6 को लिखते हैं हम 0110, 3 होता है 0001, 2 होता है 0010 और डी होता है 1101। इन दोनों नंबर्स को अगर हम एलएसबी D0 से ऐड करें तो 1001 0000 1100 carry 1 1110 carry 1 1 1110 carry 1 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 0। तो अब इस नंबर को फिर से हम हेक्साडेसिमल में लिखने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम एमएसबी से पढ़ें इसको, तो सॉरी पढ़ते तो एलएसबी से ही हैं, लाइक 0001 है तो वो 1 होगा, 1101 है वो डी होगा, 4 times 1 है वो एफ है, और 0111 है वो 7 है। तो एचएल रजिस्टर में फाइनल रिजल्ट स्टोर हुआ आपका 7FD1। अब यहाँ पे क्योंकि D15 के बाद कोई कैरी जनरेट नहीं हुई है, नंबर हमारा 16 बिट के अंदर ही है, तो कैरी फ्लैग क्या रहेगा, रीसेट। बाकी कोई फ्लैग इससे मॉडिफाई नहीं होता है, तो उन फ्लैग्स को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।